स्क्रीन में आपका स्वागत है। बॉलीवुड के किसी भी फिल्म में एक दो इंटीमेट सीन्स और कुछ बोल्ड दृश्य हो जाएं तो दर्शक अपने आप ही आकर्षित हो जाएंगे। अतरंग सीन्स के चलते फिल्मों को चर्चा में लाने के लिए डायरेक्टर्स कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सीन शूट करना इतना आसान नहीं। डायरेक्टर्स को इसके लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे शूट होते हैं ये सीन्स। बॉलीवुड के बड़े निर्देशकों में शुमार अनुराग कश्यप ने कुछ समय पहले एक शॉर्ट फिल्म शूट की थी। यह फिल्म ग्लोबली लॉन्च की गई थी और उसमें एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने काम किया था। बताते हैं कि इस फिल्म के एक सीन में राधिका को अपनी ड्रेस उठाकर प्राइवेट पार्ट्स दिखाने थे। ऐसे में अनुराग ने इस सीन को शूट करने के लिए महिला तकनीशियन को नियुक्त किया था। एक्ट्रेस सोहा अली खान फिल्म चार फुटिया छोकरे की शूटिंग कर रही थी, तो इस फिल्म में एक सीन में उन्हें कुछ गुंडों द्वारा छेड़ा जाना था और उनके कपड़े भी फाड़ने थे। ऐसे में सोहा उन सीन्स को लेकर असहज हुई। तब प्रोड्यूसर ने विभा दत्त खोसला ने इस दृश्य को बंद कमरे में शूट किया। फिल्म रागिनी MMS 2 कितनी बोल्ड फिल्म थी ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इस फिल्म के एक सीन जिसमें सनी को इंटीमेट होना था उसमें क्रू के सभी सदस्यों को कमरे से बाहर निकाल दिया गया था। दीपा मेहता की फिल्म मिडनाइट चिल्ड्रन में एक्ट्रेस शाहना गोस्वामी को एक अतरंग सीन करना था, तब दीपा ने एक्ट्रेस की सहूलियत के लिए क्रू मेंबर्स को बाहर निकाल दिया था। अयान मुखर्जी की फिल्म ये जवानी है दीवानी में रणबीर कपूर और दीपिका के बीच एक अतरंग दृश्य शूट किया गया था। ऐसे में जब यह सीन फिल्माया गया तो क्रू के सभी पुरुष सदस्यों को बाहर चले जाने के लिए कहा गया था। तो गाइस क्या कहना है आपको इन सीन्स के लिए, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए बिग स्क्रीन।